ओके तो एक्ट थ्री सीन वन में क्या देखा था हम लोग ने सर्वेश, थोड़ा सा रिकैप किया जाए तो क्या था एक्ट थ्री सीन वन में? हाँ सर, 1 मिनट, मेरे को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, भूल गया। वाह क्या पढ़ाया सर ने, भूल ही गया लड़का। एनीबॉडी दो क्या मिनट देखा था सर, हम लोग ने एक्ट थ्री सीन वन में? एक्ट थ्री सीन वन में डंकिन का मर्डर हो चुका है, मैकबेथ राजा बन चुका है, बैंको को सस्पेशन है मैकबेथ के ऊपर, और मैकबेथ को मर्डर करना है बैंको का, और वो गार्ड को मैनिपुलेट करके इसका मर्डर करवाने वाला। गार्ड को नहीं, मर्डरस को इम्प्लॉय करता है वो, टू मर्डरस को, है ना। और सबसे असल पहले वो जो, मर्डरर्स को करता है, हाँ फिर वो मर्डरर्स को बैंकों के बारे में भड़काता है और लोगों को बोलता है कि वो उसको मर्डर कर दे। वो लोग का पॉवर्टी जो भी है वो बैंकों के चलते है। क्या बात है, सबका याददाश्त वापस आ गया, सब गजनी से एकदम फिर साइब एआई बन गए सब लोग, वेरी गुड। तो अभी हम लोग पार्ट टू देख रहे हैं। सीन टू में क्या होता है कि लेडी मैकबेथ जो होती है वो मैकबेथ से बात करने आती है, उसको कन्फ्रंट करती है, ठीक है। और अभी तक मैकबेथ हाँ ने लेडी मैकबेथ को ये नहीं बताया है कि वो बैंको का मर्डर करेगा, उसने बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन सीन के एंड में वो लेडी मैकबेथ को ये रिवील करता है कि हम तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग बैंकों को भी मार देंगे, ठीक है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैकबेथ के संग क्या है, मैकबेथ को यह लगता है कि जब मैंने किसी का मर्डर किया है, जब मैंने क्या नाम है डंकन का मर्डर किया है, तो उसका ऑब्वियसली मैंने गलत काम तो किया है, लेकिन उसका जो फ्रूट्स है वो तो मुझे ही मिलना चाहिए। पर मैकबेथ को लग रहा है उसका जो फ्रूट्स है वो कौन इंजॉय करेगा, वो इंजॉय करेगा बैंको। तो उसको इस बात से बहुत प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि बैंको और उसका बेटा फ्लियांस जो है वो उसके रास्ते से हट जाए। ओके चलो, तो कौन कौन क्या क्या रीड करेगा? राका व्हाट आर यू गोइंग टू रीड? लेडी मैकबेथ। ओके ओके सर। द्वादश इज गोइंग टू रीड मैकबेथ, ठीक है। राका इज गोइंग टू रीड लेडी मैकबेथ, एंड एंड साक्षी इज गोइंग टू रीड सर्वेंट। ओके ठीक है, सब लोग एकदम कैरेक्टर में रह के पढ़ना तो मजा आएगा। चलो राका स्टार्ट। लेडी मैकबेथ हैज बैंको लेफ्ट द प्लेस। ये क्या तू पढ़ रही है, तू पैराफ्रेज क्यों पढ़ रही है? सर एक्ट थ्री ओरिजिनल सीन टू राइट। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ ना, तू तो पैराफ्रेज पढ़ रही ओह सॉरी 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 सर सॉरी सॉरी। है। चलो हाँ लेडी मैकबेथ इज बैंको गॉन फ्रॉम कोर्ट। ओके। लेडी मैकबेथ को नहीं पता है कि बैंको हैज ऑलरेडी लेफ्ट। कहाँ गया है बैंको सर्वेस? सर बैंको गया है अपना हॉर्स राइड में वेरी गुड, ठीक है। तो लेडी मैकबेथ को पता लायंस नहीं के है, तो साथ। लेडी मैकबेथ पूछ रही है इज बैंको गॉन फ्रॉम कोर्ट। चलो साक्षी। या मैडम बट रिटर्न्स अगेन टुनाइट। हाँ तो उसको जो अटेंडेंट है वो बता रहा है, हाँ वो चला गया है लेकिन रात को वापस आएगा, ठीक है। वो वापस आएगा, ही इज इनवाइटेड टू द फेस्ट। चलो राका। लेडी मैकबेथ से टू द किंग आई वुड अटेंड हिज लेशर फॉर अ फ्यू वर्ड्स। तो लेडी मैकबेथ अटेंडेंट को बोल रही है कि जाके बोलो टू द किंग आई वुड अटेंड हिज लेजर फॉर अ फ्यू वर्ड्स, का मतलब मैं कुछ देर उससे बात करना चाहती हूँ अकेले में, सम प्राइवेट कन्वर्सेशन विद मैकबेथ। तो तुम अटेंडेंट को बोल रही, जाके मैकबेथ को बोलो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मैकबेथ से बात करने के लिए, ठीक है। चलो सर्वेंट। मैडम मैडम आई विल, ठीक है। तो वो बोल रहा है ठीक है जाके मैं बताता हूँ मैकबेथ को। देखो रानी को भी राजा से मिलने के लिए परमिशन चाहिए, क्या जमाना है, ठीक है। चलो लेडी मैकबेथ। नॉट्स हैड ऑल स्पेंट वेयर इज आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट। दिस सेफर टू बी दैट व्हिच वी डिस्ट्रॉय दैन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय। किसी को ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहा है नॉट्स हैड ऑल स्पेंट वेयर आर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय। ये बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पे लेडी मैकबेथ बोल रही है नॉट्स हैड का मतलब होता है नथिंग इज गेन्ड, ठीक है। ऑल इज स्पेंट बोल रहा है वेन आर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट। इसका कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आपको दुनिया में कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको मिलती है जो आप डिजर्व नहीं करते या आप जिसके लिए मेहनत नहीं करते, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज मिलती है विदाउट मेंटल सेटिस्फैक्शन,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कितने जन मेरे को सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, कभी कभी हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से चीटिंग करते हैं, है ना, आगे वाला पीछे वाला ऊपर वाला नीचे वाला दाएं वाला बाएं वाला पूछ पाछ के हम लोग पेपर को चीट करके लिखते हैं। लेकिन सच बताना, अगर कपो सपोज कर लो तुम लोग ने चीटिंग करके पेपर किया और तुम लोग को अच्छा मार्क्स मिल गया, तो दिखाने के लिए तो हो जाता है पूरी दुनिया को, देखो मैथ्स में 80 लेकर आया, मैथ्स में 80 लेकर आया, ना दिखाने के लिए तो हो जाता है, लेकिन तुमको क्या उसका खुशी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। होता है किसी को खुशी चीटिंग करके मार्क्स वाले में खुशी होता है? नहीं होता। लेकिन अगर तुम मैथ्स में 41 भी लेकर आओ पर अपनी मेहनत से लेकर आओ, तुमको अगर ये रहे कि जो भी लाया है मेरी मेहनत से आया है, उसमें तुमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। चलो तुम लोग यंग जनरेशन है, जेन जी है, बताओ कौन मेरी बात को नहीं मान रहा है और कौन मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? जेन जी तो हर बात को कॉन्ट्राडिक्ट ही करता है। बताइए किसको लगता है सक्सेस इज इंपॉर्टेंट कि सक्सेस विथ ओन हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट? यस मुंद्रा बताइए। सर, सक्सेस विद मोर हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। अच्छा तो फ्री में मार्क्स मिले तो नहीं चाहिए? सर वो हिसाब से सही भी है गलत भी है, मार्क्स आ रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है। अब खुद के गुड मेहनत से आएगा तो और गॉड, खुशी चलो होगा। डिबेट इज ऑन। मुंद्रा जी बोल रही हैं कि सर मार्क्स आना चाहिए, कैसे भी आए फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? राका योर टेक ऑन दिस। सक्सेस विद ओन हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, बट सक्सेस फ्री पे मार्क्स भी चाहिए। सक्सेस विद ओन हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, बट फ्री में मार्क्स भी चाहिए। अच्छा, फ्री में मार्क्स भी चाहिए और तो हार्ड वर्क भी करेंगे, क्या बात है जेन जी। यस कुसुम योर टेक। बोलिए बोलिए, हमारी जेन जी का सुनना बहुत जरूरी है मेरे को, बोलिए कुसुम। सेम सेम, सेम सेम सर, क्या बात है भाई साहब। तो आदर्श कुमार आपका जरा सुने टेक। सक्सेस विद ओन हार्ड वर्क विदाउट चीटिंग ऑब्वियसली। विदाउट चीटिंग, यस वाह चलो कोई तो है जो ओल्ड स्कूल से है। हाँ कौन सर्वे द्वादश की बात से कौन बोलता है? यस साक्षी भी बोलती है। ओके सब जैनी लोग एक जैसा ही होता है ना, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। गोइंका जी आप बताइए। गोइंका जी जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। हाँ सर, हार्डवर्क मतलब करना है पर मार्क्स फ्री में मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन लेडी मैकबेथ नहीं मानती, ठीक है? लेडी मैकबेथ का देखो यहाँ पर थोड़ा चेंज ऑफ एटीट्यूड हो रहा है ना। लेडी मैकबेथ को ये रियलाइज हो गया है कि क्वीन बनने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि वो जो क्वीन बनी है वो कोई अच्छे मीन से नहीं बनी, डंकन को मार के बनी है। सो शी इज नॉट वेरी हैप्पी और उसको ये रियलाइज हो चुका है, इसी के लिए बोल रही है नॉट सैड, माने नथिंग इज गेन्ड ऑल इज स्पेंट, सारा कुछ स्पेंट हो जाएगा, कुछ गेन नहीं करोगे। वेर आर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, माने आपका अगर कोई भी डिजायर फुलफिल हो रहा है पर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो वो सारा बेकार है। देखो उसके नेक्स्ट का दो लाइन और भी अच्छा है, वो क्या बोल रही है? इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय। कहने का मतलब ये है कि इट इज सेफर टू बी द वन हु इज किल्ड देन टू किल एंड लिव इन इनसिक्योर जॉय। बोल रही है जो आदमी मर जाता है ना वो ज्यादा सुकून से रहता है, लेकिन जो मार देता है ना वो सुकून से नहीं रहता। कहने का मतलब क्या है कि ये अगर मैं डंकन होती और मैं मर जाती, ठीक है, और डंकन लेडी मैकबेथ होता तो ज्यादा अच्छी जिंदगी कौन जीता? लेडी मैकबेथ जीती मर के। बोल रहा है कभी कभी अगर हम लोग किसी को मार देते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या होता है, एक बार आपने किसी को मार दिया लेकिन वो तो क्या नाम है, रेस्ट इन पीस हो गया, ठीक है, वो तो खत्म हो गया जिंदगी। लेकिन जो आदमी मर्डर करता है वो सारी जिंदगी मेंटली एजिटेटेड रहता है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो क्या पता हम लोग का इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में बोला जाता है यार हमारा जुडिशियरी सिस्टम बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, हाँ बहुत दिन के बाद इसमें जजमेंट आता है। लेकिन तुमको मालूम है जो आदमी को 20 साल जेल में रखा जाता है, ठीक है, तुमको क्या लगता है उसका लाइफ कोई अच्छा है? वो तो कितनी बार जो जेल में लोग रहते होंगे ना जो कि अपना डेथ सेंटेंस को अवेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कल सुप्रीम कोर्ट मार देगा हमको, तुमको क्या लगता है उनकी जिंदगी अच्छी होती होगी बुरी होती होगी? बोरी क्योंकि डेली तड़प रहा है ना वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि यार खत्म करो या मार दो, खत्म करो यार। 20 20 साल तक हम लोग लोगों को जेल में सड़ाते हैं उसके बाद फांसी दे देते हैं, है ना,
उसका जिंदगी सोचो कितना टॉर्चर वाला होगा, इजंट इट? तो यहां पर हर वक्त हर सेकंड बोथ लेडी मैकबेथ और बोथ मैकबेथ वो लोग टॉर्चर से गुजर रहे हैं बिकॉज दे हैव कमिटेड अ क्राइम। लेकिन तुम यहां पर एक एक्ट थ्री सीन टू में एक बहुत ही फनी चेंज देखेगा, यहां पर लेडी मैकबेथ थोड़ी सी माने अकेले में, जब वो अकेली है तो वो अपना गिल्ट को रियलाइज कर रही है, लेकिन मैकबेथ जो है ना वो और ज्यादा गिल्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। उसका भी हम लोग जो तो डायलॉग सुनेंगे अभी, वो एक तो ऐसा बात बोलेगा जो कि और ही अजीब बात होगा, लेकिन देर इज अ चेंज ऑफ रोल नाउ यहाँ पर ना। यहाँ क्या हो रहा है, लेडी मैकबेथ जो है वो आस्ते आस्ते ये रियलाइज कर रही है कि उसने जो किया वो सही नहीं किया। तुमको तो मालूम है इसके बाद के सीन में हम देखेंगे लेडी मैकबेथ पागल भी हो जाती है। तो क्यों पागल हो जा रही है वो, क्योंकि उसको गिल्ट का नाउ सी अंडरस्टैंड दैट व्हाट सी हैज डन इज एब्सोल्युटली गिल्टी, और गिल्ट का जो फीलिंग होता है वो बहुत खराब होता है। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया पैराग्राफ? लेकिन अब तुम देखना यस सर, मैकबेथ कैसे अजीब उल्टा डायलॉग दे रहा है, मैकबेथ हैज बिकम लिटिल हार्ड कोर, ठीक है? चलो एंटर मैकबेथ। राका वी रीड। हैव स्कॉट्ड द स्नेक नॉट किल्ड, शी क्लोज एंड बी हरसेल्फ नहीं व्हाइल नहीं अ नहीं बाबू पुअर बाबू मालस। अभी रह गया, हाउ नाउ माय लॉर्ड, ये रह गया अभी, ये इसका राका का रीडिंग है अभी, ये लेडी मैकबेथ का डायलॉग है, हाउ नाउ माय लॉर्ड, रीड राका। सर आपका लैप है, हाँ थोड़ा सा लैग कर रहा है ना, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। अब बेटर हो जाएगा। राका रीड, हाउ नाउ माय लॉर्ड। हाउ नाउ माई लॉर्ड, वाई डू यू कीप अलोन ऑफ सॉरीएस्ट फैंसीज योर कंपेनियंस मेकिंग यूजिंग दोज थॉट्स व्हिच शुड इंडीड हैव डाइड विद देम द थिंक ऑन थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स डन इज डन। तो यहां पे लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है, जब वो मैकबेथ को देख रही है तो उसका डायलॉग्स अपने आप चेंज हो जा रहा है, ठीक है? अपने हस्बैंड को वो कन्विंस करने का कोशिश कर रही है, पर खुद वो खुद ही कन्विंस नहीं है, ठीक है? वो खुद ही इस बात को रियलाइज करती है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैकबेथ को क्या बोल रही है, हाउ नाउ माई लॉर्ड वाई डू यू कीप अलोन, बोल रही है हेलो माई माई लॉर्ड आप अकेले क्यों घूम रहे हो, ऑफ सॉरीएस्ट फैंसीज योर कंपेनियंस मेकिंग, ठीक है? तो सॉरियस का मतलब निकलो मिजरेबल, ठीक है? आपके दिमाग में बहुत ही मिजरेबल आइडियाज चल रहे हैं, फैंसीज चल रहे हैं, और वो आपके दिमाग में है, ठीक है? तो यू आर ब्रूडिंग ओवर मोस्ट मिजरेबल फैंसीज, आपको ये सब सोचने का जरूरत नहीं है, यू आर थिंकिंग समथिंग वेरी डिस्ट्रक्टिव जो आपको नहीं सोचना चाहिए, एगेनाइजिंग जो आपको पेन दे रहा है। व्हाट आर यूजिंग दोस थॉट्स, यूजिंग दोस थॉट्स माने चेरिशिंग दोस थॉट्स, माने कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप बहुत परेशान दिख रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे ट्रेचरस आइडियाज आ रहे हैं, गिल्टफुल आइडियाज आ रहे हैं, मिजरेबल आइडियाज आ रहे हैं, और वो थॉट आपको परेशान कर रहा है, ठीक है? वो थॉट्स, दोस थॉट्स, यूजिंग दोस थॉट्स विच शुड इंडेड हैव डाइड विद देम दे थिंक ऑन थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, ठीक है? तो बोल रहा है आपके दिमाग में वो सारे थॉट्स आ रहे हैं जो कि उनकी जिंदगी के संग खत्म हो जाने चाहिए, जिनको अपन ने मार दिया। बीच में थोड़ा सा हम लोग का वो हो गया था, हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो कहां पे हम लोग लास्ट, मैंने क्या समझाया, तुम लोगों ने क्या सुना लास्ट मेरा? हेलो, तुम लोग मेरा लास्ट क्या सुना, एनीबडी? Am I audible? सर यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। I'm not audible. Hello. Hello, hello, hello. नेट का प्रॉब्लम सर। Now can you hear me? Hello guys. यस सर, Okay. तो यस सर, लास्ट मेरा क्या बोला था, लास्ट जो तुम लोगों ने सुना, लास्ट क्या सुना तुम लोग ने मेरा? सर चेरिशिंग दोज थॉट्स वाला लाइन। अच्छा वो वाला थॉट्स वाला, ओके ठीक है। तो
तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर वो समझा रही है कि व्हाई आर यू हार्बरिंग दोज थॉट्स दैट शुड हैव एंडेड विद द लाइव्स ऑफ दोज दैट यू आर थिंकिंग अबाउट। बोला आप बड़े, आपने तो डंकन को मार दिया, ठीक है, तो डंकन से रिलेटेड जो भी थॉट्स था वो सब खत्म हो जाना चाहिए। आप उस थॉट्स को होल्ड ऑन करके क्यों रखे हैं? जब डंकन मर गया तो उसकी यादें आप क्यों रखे हैं? जो हो गया सो हो गया, है कि नहीं? फिर वो बोलती है, थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। कोई मेरे को बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, क्या मतलब हुआ इसका? एनीबडी? जिस चीज का व्हाट्स डन कोई इज डन। इलाज ही नहीं हो, करेक्ट करेक्ट कुसुम, करेक्ट। जिस हाँ चीज बोलो, का जो इलाज ही नहीं हो तो उसके बारे में सोच के फायदा क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। बोल रहा है जिस चीज की कोई रेमेडी नहीं है उसके बारे में सोच के क्या फायदा। हम लोग तो मार दिया डंकन को, अब आप कितना भी रिपेंट कर लो डंकन वापस आने वाला नहीं है, तो सोच के क्या फायदा। समझ में आ गई बात को? चलो मैकबेथ, यस द्वादश स्ट्रीट। Yes, sir. We have scorched the snake, not killed it. She flows and be herself while a poor malice remains in danger of a former tooth. But बस यही let the तक। snake ए who वेट वेट thinks वेट that वेट द्वादश वेट। वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक नॉट किल्ड इट। एनीबॉडी, क्या मतलब हुआ इसका द्वादश? सर स्नेक अभी भी मरा नहीं है, वो हाँ, उल्टा हमने स्केल अभी स्नेक को तो इंजर कर दिया है, ठीक है, हमने उसको इंजर्ड कर दिया, हमने उसको स्लैश कर दिया, माने हमने उसको स्लैश किया है, मारा नहीं है, ठीक है। तो बोला वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक नॉट किल्ड इट, अभी तक मारा नहीं है उसको। सी विल क्लोज, सी विल क्लोज का मतलब लिखो सी विल रिकवर, मतलब जो स्नेक है वो रिकवर करेगा, एंड बी हर सेल्फ, और वापस स्नेक बन जाएगा, ठीक है। व्हाइल अ पुअर मैलिस रिमेन्स इन डेंजर ऑफ परफॉर्मर टूथ, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाइल आर पुअर मैलिस का मतलब लिख लो वीक अटैक, हमारा जो वीक अटैक है वो हमेशा से डेंजर में रहेगा परफॉर्मर्स टूथ माने स्नेक का फैंग से, ठीक है। बट लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट बोथ द वर्ल्ड सफर बिफोर वी विल ईट आर मील इन फियर एंड स्लीप, ठीक है। तो बोल रहा है आर वीक अटैक रिमेन्स इन डेंजर ऑफ हर फैंग्स, माने हमारा जो अटैक है वो अभी भी उसके फैंग से डर रहा है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, यहां पर मैकबेथ का बोलने का मतलब है सिर्फ डंकन को मारकर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपने डंकन को मार दिया और आप आराम से राजा बनकर जियोगे तो ऐसा नहीं होगा। देखो डंकन के मारने से कितने एनिमीज क्रिएट हो गए वहां पर बताओ तो, कितने एनिमीज है मैकबेथ के अभी? पहले तो उसके दोनों बेटे है ना, वो लोग बदला लेंगे ही लेंगे, मैल्कम एंड आपने डोनाल्ड बेन एंड मैंको। है ना, बैंको को भी पता है कहीं ना कहीं कुछ तो फेयर प्ले है, ठीक है, तो वो भी बदला लेगा। और जो विच का प्रेडिक्शन मैकडोनल्ड था, जो विच का प्रेडिक्शन था क्या, कि उसका जो बेटा है फ्लियांस वो आने वाला राजा बनेगा, है ना, तो वो भी एक पोटेंशियल थ्रेट है। तो यहां पर मैकबेथ जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है कि हमने खाली सांप को स्लैश किया है, मतलब हमने बेमतलब के हमने किसी चीज को, ऐसा चीज को क्रिएट कर दिया है जो कि बाद में जाकर हमारे लिए खतरा बन सकेगा। हमारे लिए अच्छा क्या होता, हम सबको एक संग मार देते, है कि नहीं, पूरा का पूरा समूल वन विनाश कर देते, तभी जाकर कुछ होता, पर हमने क्या कर दिया, हमने चिंगारी लगा दी, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। और अभी इमीडिएटली उसको किसको मारना पड़ेगा, सबसे इमीडिएट कंसर्न कौन है? बैंकों बैंको एंड हिज सन, बैंकों वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे रीड करेंगे। द्वादश रीड। यस सर। इन द अफेक्शन ऑफ दिस टेरिबल ड्रीम्स दैट स्नेक अस नाइटली बेटर बी विद द डेड हुम वी टू गेन अ पीस हैव सेंट टू आवाज पीस। नहीं आ रहा तुम्हारा, जोर से बोलो थोड़ा। In the affliction of these terrible dreams that shake us nightly, better be with the dead, whom we to gain our peace have sent to peace, that on the torture of the mind to lie in restless ecstasy. ओके, वेट Duncan in वेट his वेट वेट grave, वेट 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 हाँ वेट। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तीन तीन चार चार लाइन, थोड़ा डिफिकल्ट पैराग्राफ है, सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है बट लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट बोथ द वर्ल्ड सफर
बिफोर वी विल ईट आर मील इन फियर एंड स्लीप इन द एफ्लिक्शन ऑफ दीज टेरिबल ड्रीम्स. ठीक है, तो बोरा लेकिन लेट द फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्स फॉल अपार्ट, बोल रहा है चाहे धरती आसमान एक हो जाए, ठीक है, एंड बोथ हेवन एंड अर्थ कम टू ग्रीव बिफोर वी ईट आर मील्स इन फियर एंड स्लीप इन ड्रेड ऑफ दिस टेरिबल नाइटमेयर्स दैट टॉर्मेंट अस अस एट नाइट्स. ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है चाहे धरती आसमान एक हो जाए, ठीक है, चाहे आसमान और माने जाए अर्थ और स्काई आके मेरे को ये समझाए, ठीक है, और हम लोग को ये जो दिन रात का जो टॉर्चर है, हम लोग जब रात को खाना खाते हैं, रात को हम लोग सोते हैं, तो हम लोग को ये डर जो है उस स्नेक का डर जिंदगी भर लगा रहता है ना. हम लोग को हमेशा इस बात का डर है कि कोई ना कोई हमसे रिवेंज लेगा. ठीक है, तो हमको ये चीज को खत्म करना होगा. अंडरस्टूड इन रे. हाँ, उसके बाद बोल रहा है इन द एफ्लिक्शन ऑफ दिस टेरिबल ड्रीम्स दैट शेक अस नाइटली बेटर बी विथ द डेड. बोरा इससे अच्छा तो हम मर जाते, ठीक है, इससे अच्छा हम डंकन की तरह मर जाते, whom we to gain our peace have sent to peace. बोरा डंकन के संग हमने क्या किया, हमने हमको ऐसा लगा कि एक बार हम डंकन को मार देंगे तो हम राजा रानी बन जाएंगे, हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा. हमने ये सोच के डंकन को मार दिया, ठीक है, लेकिन डंकन को मार के हमने डंकन के लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन कर दिया. क्या एडवांटेजेस पोजीशन है कि डंकन तो मर गया, अब वो कहाँ है, वो रेस्ट इन पीस हो रहा है. ठीक है, तुमको मालूम है राजा का जिंदगी कभी आसान नहीं होता. तुमको लगता है राजा का जिंदगी आसान होता है? नहीं तुमको लगता है नरेंद्र मोदी बहुत सुखी से सोता होगा? क्यों? ना, चलो नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर भी कमांडोज है और इतना सारा सिक्योरिटी सिस्टम है. पहले के राजा लोग तो बहुत खतरा होता था, उनको तो उनके बेटों से भी डर होता था, उनके भाइयों से डर होता था, है ना, उनके सेनापति से डर होता था, उनके जो नियर एंड डियर वेर उनके संग डर होता था, कोई भी उनको जहर दे दे, है कि नहीं. तो इन्होंने तो डंकन के मार के एक तरह से डंकन के ऊपर उपकार कर दिया. क्या उपकार कर दिया कि अब उसको ये सारा टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा, वो तो मर गया, अब वो आराम से सो रहा है ना. तो यहां पर बोल रहा है बेटर बी विद द डेड हुम वी टू गेन आर पीस हैव सेंट टू पीस. हमने अपना पीस के लिए डंकन को पीस के लिए भेज दिया, ठीक है. Then on the torture of the mind to lie in restless ecstasy. और हम लोग ने क्या किया, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं हम, ठीक है. डंकन जो है इज इन हिज ग्रेव, डंकन आराम से सो रहा है, एंड लाइफ फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल, ठीक है. उसका तो जो रेस्टलेसनेस था एज अ किंग, जो उसका टेंशन था, वो सब तो हम लोगों ने दूर कर दिया और वो अब आराम से सो रहा है, ठीक है. ट्रीजन हैज डन हिज वर्स्ट, नॉर स्टील नॉर पॉइजन नॉर मैलिस डोमेस्टिक फॉरेन लीवी नथिंग कैन टच हिम फर्दर. बोरा हमने तो उसको एक ऐसी जगह भेज दिया कि जहां पर अब उसको किसी ट्रीजन का डर नहीं है, कोई धोखे का डर नहीं है, ठीक है, उसको किसी सोड का डर नहीं है, उसको कोई जहर का पॉइजन का डर नहीं है, उसको कोई सिविल वॉर का डर नहीं है ना, मैलिस डोमेस्टिक का कोई डर नहीं है, और उसको इस बात का भी डर नहीं है कि कोई फॉरेन राजा, फॉरेन कंट्री का राजा आकर तुम पे अटैक करेगा, जैसे नॉर्वेजियन ने किया था उसके ऊपर अटैक, ठीक है. बोला नथिंग कैन टच हिम फर्दर, अब तो उसको कोई टच भी नहीं कर सकता. तो इतना टेंशन होने से तो अच्छा है कि हम खुद मर जाते और हम डंकन के संग आराम से रहते. समझ में आ रही है बात सबको? एम आई क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, तो कहने का बेसिकली मतलब, तुम देखो मैकबेथ भी यही बोल रहा है कि देखो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि इन लोग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि उन्होंने डंकन को मार दिया. मैकबेथ को तो डेफिनेटली अच्छी लग रही, और अभी तो लेडी मैकबेथ भी बोल रही है कि अगर यार हम लोग को ऐसा क्या फायदा हुआ, जब कोई चीज अचीव करते अपनी हिम्मत से नहीं अचीव करते तो उसको अचीव करके फायदा ही क्या होता है. ठीक है, चलो लेडी मैकबेथ रीड करो. क्या नाम है राका? लेडी मैकबेथ, कम ऑन, जेंटल माई लॉर्ड, स्लीप ओवर योर राज लुक्स, बी ब्राइट एंड जोवियल अमॉन्ग योर गेस्ट टुनाइट. हाँ, तो लेडी मैकबेथ बोल रहे हैं यार कम ऑन, कितना सोच रहे हो ना. जेंटल माय लॉर्ड, थोड़ा सा पीस रखो माय लॉर्ड, कंपोज योर रगेड लुक्स, रगेड को लिख लो ट्रबल्ड लुक, ठीक है. बोल रहा आपका जो फेस है बहुत ट्रबल दिख रहा है, और आज रात को पार्टी है, आज रात का बैंड बजा ले, है ना, तो रात को पार्टी है, पार्टी में आपको खुश दिखना चाहिए. बी ब्राइट एंड जोवियल, खूब खुश रहिए, खूब हंसी मजाक करिए, अमोंग योर गेस्ट टुनाइट, अपने गेस्ट के पास, ठीक है. समझ में आ गई बात को? सर्वेश
मेघा, यस राका, शिवांश, हाँ सर, रिद्धि। यस सर। वीडियो ऑन क्यों सर नहीं इफ है? अच्छा आई स्विच ऑन माय वीडियो आई विल नॉट बी एबल टू रीड, यू विल नॉट गेट माय वॉइस प्रॉपर्ली। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज दिया, एकदम फ्री हिट पे छक्का मार अरे दिया है, सर आईपीएल आने इट्स वाला है। वेरी गुड ट्रू वेरी सर, गुड। शिवांश तुम्हारा क्या इट्स प्रॉब्लम है ट्रू बेटा? सर। सर इंट्रोवर्ट हूँ ज्यादा, हाँ सर इंट्रोवर्ट हूँ मैं। क्या हूँ? इंट्रोवर्ट कौन होते हैं यस इंट्रोवर्ट? सर, जो मतलब कंफर्ट में रहते हैं। ओके इंट्रोवर्ट वो होते हैं जिनको लगता है कि वो शाहरुख खान है ना? इंट्रोवर्ट सर, वो होते हैं जिनको लगता है वो सेलिब्रिटी है। अबे सेलिब्रिटी यहाँ मैं हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सबसे सुंदर भी यस मैं ही हूँ, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस भी मैं ही हूँ। नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता, मेरे से ज्यादा फेमस धीमन चल रहा है आजकल, है कि नहीं? सर, मेरा मेरा जगह धीमत ले लिया अभी, और एक और लड़का है उसका क्या नाम है, आरव, आरव आया नहीं, वो भी मेरे से ज्यादा फेमस चल रहा है। बच्चे लोग उसको ज्यादा अरे कमेंट सर कर रहे हैं पता मेरे है जैसे। क्या हैं? हुआ, वो जो धीमन का परफॉर्मेंस कर रहा था ना, हाँ वो अभी चल निकला। अच्छा, तुम लोग ग्रुप में ही कर रहे हो बदमाशी? उसको बेमतलब का वो ओवरवेल्म कर रहा था बार बार। अच्छा, चलो बच गया। तो शिवांश तेरे को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग हैं यहाँ पर, ओके? किसी के लिए वीडियो ऑन कर, आराम से एंजॉय कर। हाँ, एक साल के बाद अगले साल जब बच्चे लोग 12 का बोर्ड देंगे, तू अच्छे से आंसर देना, तब तू फिर इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा, ओके? चलो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, खुश रहो क्योंकि रात को पार्टी है, आज रात का सीन बना ले, नाचना पड़ेगा, ठीक है? चलो मैकबेथ रीड। यस सर। सो शैल आई लव एंड आई बी यू, लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंक, प्रेजेंट हिम एमिनेंस बोथ विद आई एंड टंग, एंड सेव द वाइल दैट वी मस्ट लेव आवर ऑनर्स इन द फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स एंड मेक आवर फेस विजर्ड्स टू आवर हार्ट डिस्गाइजिंग व्हाट दे आर। तो मैकबेथ बोल रहा है, देखो मैकबेथ मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो बोल रहा है सो शैल आई लव एंड शो आई प्रे बी यू, बोले मैं तो रहूंगा जोवियल, ठीक है, और तुम भी थोड़ी सी जोवियल रहना। लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंको, बोल रहा बैंको को बिल्कुल मत भूलना, वो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है, ठीक है। प्रेजेंट हिम एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब उसको ऑनर करना, उसको थोड़ा सा अटेंशन देना। बोथ विथ आई एंड टंग, माने उसको आंखों से भी रिस्पेक्ट देना और बोलकर भी रिस्पेक्ट देना, वो आज हम लोग का चीफ गेस्ट है, ठीक है। Unsave the while that we must lave our honors in this flattering streams and make our face wizards to our hearts, disguising what they are. ठीक है, बोला है while we insecure we must, बोला while we are insecure, हम लोग insecure तो है, कोई बात नहीं, हम लोग को पता है हमारे को टेंशन है, बट वी मस्ट गिव अ क्लीन लुक टू आर ऑनर बाई यूजिंग अबेंडेंट फ्लैटरी, बोला है लेकिन हम लोग को अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा फ्लैटर करके उनको खुश रखना पड़ेगा। एंड मेक आर फेस हाइड द फीलिंग ऑफ हेटरेट लाइंग इन आर हार्ट, और हम लोग के अंदर जो बैंकों के लिए जो हेटरेट है उसको छुपाना पड़ेगा, और उसको ऐसा लगना पड़ेगा कि हम लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। चलो लेडी मैकबेथ, यस राका, मेरी मैकबेथ, यू मस्ट लीव दिस। बोला इसको मत सोच, ढंग करने के लिए मैं एक्सपर्ट हूं, ये तो मेरा एक्सपर्टी है, ये तो मैं कर ही दूंगी। चलो मैकबेथ, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इन माय माइंड डियर वाइफ, दो नो द बैंक्वेट एंड हिज फियांस लिव। तो यहां पर बोल रही है मैकबेथ, बोल रहा है ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब यहाँ पे फियर एंड सस्पिशन, ठीक है। तो बोल रहा है मेरा जो माइंड है वो फुल ऑफ फियर है और फुल ऑफ सस्पिशन है, दाउ नो दैट बैंको एंड हिज फ्लियांस लीव्स, बोला जब तक बैंको और फ्लियांस जिंदा है मेरे दिमाग में स्कॉर्पियन माने फियर और डर रहेगा, ठीक है। लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, बट इन देम नेचर्स कॉपीज नॉट इटर्नल। हाँ तो यार बोल रही है लेकिन वो सारी जिंदगी तो नहीं जिंदा रहेंगे, वो भी मॉर्टल हैं, ठीक है, तुम टेंशन क्यों ले रहा है, उसका भी वक्त आएगा, वो भी कभी ना कभी मरेगा, ठीक है। अब ये वाला पैराग्राफ मैं लीड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर मैकबेथ बोल रहा है देयर्स कंफर्ट येट दे आर असाइलेबल, तो मैकबेथ बोला यही तुमसे सुनना चाहता था मैं। देखो अब यहां पर मैकबेथ बात कर रहा है मर्डर करने की, वो बात नहीं कर रही है, लेडी मैकबेथ बात नहीं कर रही है, यहां पर मैकबेथ ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है मर्डर करने का, समझ में आ रही बात को? तो वो यहां पर बोल रहा है कि तुम्हारा ये बोलना मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि
कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, देयर्स कंफर्ट येट देयर असाइलेबल देन बी दाउ जोकर, बोला इसके लिए तुम खुश रहो। अर द बैट हैथ फ्लोन हिज क्लॉस्टर्ड फ्लाइट, अर मतलब बिफोर, बिफोर द बैट हैथ फ्लोन हिज क्लॉस्टर्ड फ्लाइट, बिफोर टू ब्लैक ही केट समन्स द शार्ट बॉर्न फ्लाइट, द शार्ट बॉर्न बीटल विथ हिज ड्राउजी हम्स हथ रंग्स नाइट्स योनिंग पील, देयर शैल बी डन अ डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट। ओके, नाउ दीज वर्ड मुझे पता है तुम लोग को लग ही रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है ना, तो यहां पर सब लोग मार्क कर लो। ठीक है, सबसे पहला उसने क्या बोला जब ये बोल रहा था, बिफोर द बैट हैज फ्लोन हिज क्लॉस्टर्ड फ्लाइट, इसका मतलब ये हो रहा है यहां पर कि माने यहां पर देखो, जब मैकबेथ जब बैंको रिटर्न करेगा, ये बहुत ध्यान से सुनना, जब बैंको रिटर्न करेगा तो पूरी रात नहीं होगी, वो शाम का वक्त होगा, माने इवनिंग रात के कल, माने इवनिंग से रात होने वाली है। ओके, नाउ नाइट को हमेशा हम लोग एज अ ईवल मानते हैं, उस जमाने में नाइट को हम लोग बहुत ईवल मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो बोल रहा है कि बिफोर नाइट कम्स, रात होने से पहले हम लोग को एक काम कर देना है। ठीक है, क्या काम कर देना है कि हम लोग को बैंकों को मारना है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है बिफोर द बैट हैज फ्लोन हिज क्लॉस्टर्ड फ्लाइट इंप्लाइज दैट दे शुड एक्ट बिफोर द बैट इमर्ज फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। ठीक है, तुम लोग को पता है बैट जो होता है वो रात के वक्त निकलता है, और तुम देखिएगा चर्च में जनरली जब रात होती है तो बैट्स बहुत फ्लाई करते हैं, और बैट जो है वो सिंबल है डार्कनेस का, ईविल का। ठीक है, तो बोल रहा है इससे पहले जब रात हो और बैट निकले। ठीक है, बिफोर टू ब्लैक ही गेट समन्स, अब तुम लोगों को पता है गॉडेस हीकेट कौन है, शी इज द गॉडेस ऑफ विच एंड विचक्राफ्ट। ठीक है, तो जो गॉडेस हीकेट है वो विचक्राफ्ट और नाइट्स में ही निकलती है, ये जितने भी विचेस होती हैं ये जनरली अपना काम जितने भूत प्रेत आत्मा ये लोग रात को ही निकलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है मैकबेथ इज सजेस्टिंग दैट बिफोर दे शुड एक्ट बिफोर द नाइट बिकम्स फुल्ली अंडर हर इन्फ्लुएंस, बोल रहा है रात हेकेट के इन्फ्लुएंस से आए उससे पहले ही हम लोग को अपना काम करना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द शार्ट बॉर्न बीटल विथ हिज ड्राउजी हम्स। ठीक है, तो शार्ट बॉर्न का बेसिकली मतलब तुम लोग लिख लो डंक। ठीक है, डंक होता है ना, काउ डंक टाइप का। ओके, तो शार्ट बॉर्न बेसिकली मतलब होता है, तुम लोग सब इसका मतलब लिख लो यहाँ पे, बॉर्न इन डंक। ठीक है, तो ये बीटल जो होते हैं ये लोग शेल से निकलते हैं, और इनको भी सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड डेथ माना गया है। ठीक है, द ड्राउजी हम का मतलब है साउंड्स ऑफ ना अप्रोचिंग नाइट। ठीक है, हैथ रंग नाइट्स योनिंग पील पोट्रे द ऑनसेट ऑफ, और या हैथ रंग नाइट्स योनिंग पील का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ नाइट। ठीक है, विथ नाइट्स योनिंग पील सजेस्टिंग द ओपनिंग और योनिंग ऑफ द डार्कनेस, तो इसका कहने का मतलब है कि शाम होने वाली है, रात होने वाली है, और उससे पहले ही हम लोग को काम करना है, इससे पहले कि बैट्स आ जाएं, इससे पहले कि वो जो गॉडेस जो जगह नाम है हमारी जो गॉडेस है, ठीक है वो आ जाए। ठीक है, इससे पहले कि ये जितने भी ये क्या नाम बीटल्स है ये आ जाए, इस रात के होने से पहले हम लोग को हमारा कांड कर देना है, या कि हमको बैंकों को मार देना है। समझ में आ रही है सबके? तो अब लेडी मैकबेथ जो है वो चिंता में आ जाती है, बोले पता नहीं क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, अप टू समथिंग, ये तो पक्की बात है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो लेडी मैकबेथ पूछती है व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं, ये सारा अच्छे से समझ में आ गया पैराग्राफ की, फिर से रिवाइज कराऊं एक बार, सबको समझ में आ गया? तो वो पेज पेज 85 वाला पैराग्राफ वाले को चला क्या क्या फिर से बोल गया, रहे? नहीं समझ में आया मेरे को, क्या बोला? पेज 85 में जो मैगनेट का स्पीच है। हाँ अरे पहले इस पैराग्राफ का बताना, ये पैराग्राफ तो हुआ, फिर हम लोग वापस रिवीजन करेंगे ये हो दोबारा। गया, ये हाँ तो इसका बता बेटा, जो पुराना वाला है वो तो हम लोग बाद में करेंगे रिकैप, ये वाले में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, तो नहीं लेडी सर। मैकबेथ बोल रही है व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। अब ये मीटिंग अभी हम लोग का ओवर हो जाएगा, खाली 1 मिनट बाकी है, ये भी मीटिंग खत्म हो जाएगा, तो आप लोग सब आफ्टर 10 मिनट्स फिर से रिज्वाइन करना। ठीक है, और हम लोग ये लास्ट पैराग्राफ को करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग को भी, इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लास्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट, अगर मैं अभी पढ़ाने चालू करूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद हम लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे और ये पैराग्राफ करेंगे। तब तक आप लोग देख लो, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन निकाल के रखना, मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, तो वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स। ओके एवरीबॉडी। सो लेडी मैकबेथ बोल रही है
कि व्हाट इज टू बी डन। यहां पर उसको मैकबेथ की बात से कुछ डर लग रहा है कि मैकबेथ कुछ और भी करने वाला है, कुछ और भी बड़ा ड्रामेटिक करने वाला है। उसको इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि मैकबेथ ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है बैंको को भी असैसिनेट करने का। ठीक है, तो यहां पर वो बोल रही है लेडी मैकबेथ, व्हाट इज टू बी डन। तो मैकबेथ क्या बोल रहा है, बी इनोसेंट टू दी नॉलेज डेयरेस्ट चक टिल द अपलॉड द डीड। ठीक है, तो यहां बोल रहा है जब तक तुमको पूरी राज की बात समझ में नहीं आ जाए तब तक तुम चुप रहो। ठीक है, और जब तुमको मेरा सीक्रेट पता चल जाएगा, मेरा प्लान पता चल जाएगा, तब तुम बहुत खुश होगी कि मैंने प्लान किया किया है। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, आज के डेट में तो हम लोग रात की कोई इज्जत करते ही नहीं है, है ना। हम लोग के टाइम पे तो रात तो इज अ न्यू डे, है ना। आजकल तो रात को 12 बजे भी रस्ते में निकल जाओ तो माने लोग ऐसे ही डांस करते मिल जाएंगे तुमको रस्ते में, है ना। अब तुम सोचो बेचारे भूत लोग जाएंगे कहाँ, बताइए कितना नाइंसाफी है भूतों के साथ, है ना। भाई भगवान ने बोला रात का वक्त है भूतों के लिए, है ना, बदमाशों के लिए, लेकिन आजकल तो शरीफ लोग भी रात को ही पार्टी करने निकलते हैं, बताइए ऐसा कैसे चलेगा। ऐसा चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज से 300 400 साल पहले, खास करके विक्टोरियन एरा में, पूरा क्लियरली ये बात था कि शाम को चर्च बेल बजाएगा, उसके बाद सब इंसानों को अपने अपने घर जाना है और सब भूत लोग बाहर आके अपना जो करना करेंगे, भूतियापंती करेंगे वो, है कि नहीं। लेकिन इंसान को देखो कितना बदमाश है भाई, अपना टाइम तो ले ही रहा है, भूतों का टाइम भी ले ले रहा है ना। तो यहाँ पर हम ये चीज क्यों बोल रहा हूं कि यहाँ एक तो क्लियर डिमार्केशन है कि जो रात होती है वो सिनिस्टर होती है, रात जो होती है वो डरावनी होती है, रात जो है वो इवन लोग के लिए है और दिन अच्छे कामों के लिए। ये बिल्कुल बाइफोर्केशन था पहले के जमाने में, आज से 300 साल पहले क्लैरिटी था। रात हो गया मतलब इट इज द टाइम ऑफ घोस्ट, इट इज द टाइम ऑफ इवन। अब इंसानों का बाहर रहने का कोई टाइम नहीं है, चर्च ने घंटी बजा दी है, एवरीबॉडी शुड गो टू द हाउस। ठीक है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं तुमको अभी समझ में आएगा। जब मैकबेथ बोल रहा है कम सीलिंग नाइट स्कार्फ अप द टेंडर आई ऑफ पिटीफुल डे, तो बोल रहा है कम सीलिंग नाइट का मतलब क्या हुआ कि रात को आने दो और दिन को सील कर देने दो, दिल को माने पूरा ढक देने दो। ठीक है, स्कार्फ अप द टेंडर आई ऑफ अ पिटीफुल डे, टेंडर आई ऑफ अ पिटीफुल डे का मतलब दिन जो होता है वो अच्छा होता है, रात आकर दिन को क्या है पूरा का पूरा खत्म कर देगी। ठीक है, माने लेट नाइट कम एंड क्लोज द अफेक्शनेट आईज ऑफ पिटीफुल डे, माने डे जो है वो थोड़ा सा शरीफ होता है, उसकी आंखें रात आके बंद कर देगी। ठीक है, एंड विथ दाई ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड कैंसल एंड टीयर टू पीसेस द ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पेल। ठीक है, बोला रात का अंधेरा क्या करेगा, रात का जो अंधेरा होता है उसकी हाथ जो होती है वो ब्लडी होता है और इनविजिबल होता है, और रात के वक्त क्या होगा, इट विल कैंसल एंड टीयर टू पीसेस द ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पेल। ठीक है, बोला रात आएगा और मेरे अंदर से जो भी पिटीफुलनेस है, जो भी सराफत है, वो सबको खत्म कर देगा। ठीक है, माने बोलने का मतलब क्या है कि रात को जो इनविजिबल मर्डरस हैंड्स है, ठीक है, वो मेरे को कोई पाप करने से नहीं रोक सकता। रात के टाइम, रात इतनी डार्क होती है कि अगर आदमी कोई गलत काम भी करेगा तो रात का डार्कनेस उसको नहीं रोकेगा। तो अगर मैं भी कोई गलत काम करूंगा तो मुझे रात नहीं रोकेगी, और वो क्या गलत काम करने वाला है, बैंको का मर्डर। तो बोला रात आएगा, दिन के टाइम तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, दिन इज लाइक अ बॉन्ड। ठीक है, वो बोल रहा है कि भगवान का दिन एक बॉन्ड है, जब बॉन्ड के टाइम पे लोग सराफत वाला काम करेंगे, ठीक है, और रात को आप पाप कर सकते हैं, तो रात आने दो और मैं कुछ कांड करूंगा। ठीक है, कैंसिल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पेल। फिर बोल रहा है लाइट थिकेंस, माने यहाँ पे थिकन का मतलब ऐसा है डिम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऑपोजिट है, लाइट डिम हो रहा है। एंड द क्रो मेक विंग्स टू द रूकी वुड, और जो क्रोज है तुमको पता है क्रो भी सिंबल है डेमन का ही, है ना, क्रो भी डेविलिश ही होता है। ठीक है, तो बोला रात हो गई है और क्रो उड़कर जा रहा है वुड में। अगर तुम बहुत सारा डरावना पेंटिंग देखेगा तो उसमें क्रो दिखेगा, है ना, और क्रो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। तुम लोग थोड़ा इमेजिन करो, तुम लोग को पेंटिंग दिखेगा कि पहले के जमाने जो विच क्लो का जो बुक्स होता था ना, उसका बहुत सारा तुम देखेगा जो कवर पेज होता है उसके ऊपर में क्रो होता था, और क्रो रात को जंगल की तरफ जा रहा है, फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बोला लाइट इज डिमनिंग एंड द क्रो मेक विंग्स टू द रूकी वुड, गुड थिंग्स ऑफ डे बिगेन टू ड्रूप एंड ड्राउज। बोला है दिन का जितना भी अच्छा चीज था वो
वो आस्ते आस्ते ड्रूप हो रहा है और ड्राउज हो रहा है, मतलब सबका चीज खत्म होता जा रहा है, दिन जा रहा है, ठीक है। व्हाइल नाइट्स ब्लैक एजेंट्स टू देयर प्रेयर टू राउज, और रात के जो एजेंट है, घोस्ट और भूत जो एजेंट है, वो जो तो रात के जितने भी हंटर्स हैं वो जाग रहे हैं। फिर वो देखता है लेडी मैकबेथ को। ये पहली बार ना चेंज ऑफ रोल हो रहा है, यहाँ पर लेडी मैकबेथ डर रही है, ठीक है। मैकबेथ एकदम, रात को होने दो, क्रोज बाहर आने दो, अब मैं मारूंगा, ठीक है। तो तुम देख रहे, पहले लेडी मैकबेथ बोले कैसा आदमी है, मर्डर भी नहीं कर सकता, है ना, डरपोक है, इसको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए पर ये कुछ करेगा नहीं, मुझे ही मारना पड़ेगा, है ना। पहले लेडी मैकबेथ थोड़ी सी एग्रेसिव थी, ठीक है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं चेंज ऑफ रोल, मैकबेथ थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो मैकबेथ अपनी वाइफ का आंख देखता है तो लेडी मैकबेथ थोड़ा सा डरी हुई दिख रही है उसको, बोलो क्या करने वाला भाई, अब किसको मारेगा, मुझे तो नहीं मार रहा कहीं, आई एम नॉट द नेक्स्ट टारगेट, ऐसा तो नहीं है। खैर ये तो जोक था, लेकिन वो बोल रहा करने क्या वाला है तू, तो मैकबेथ बोल रहा है दाओ दाओ मार्वलस एट माय वर्ड्स, तुम मेरा वर्ड को देख के एस्टोनिश हो रही हो, बट होल्ड दी स्टिल, पर कुछ देर तक अपने ऊपर काबू रखो, होल्ड योर इमोशंस। देखो यहाँ पर एक बहुत ही लेजेंडरी लाइन है, बहुत ही लेजेंडरी लाइन है, और शेक्सपियर ग्रेट ऐसा ही था, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली है ना कि माने आने वाली जनरेशन वो बात कुछ सुनती है और माने वी जस्ट कांट इमेजिन कि उसने ऐसा सोचा भी होगा। देखो वो क्या बोल रहा है, थिंग्स बैड बिगिन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाय इल। इसका बेसिकली अगर मैं तुमको, अगर इसका मैं कन्वर्ट करके पैराफ्रेज बोलूं, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि थिंग्स बिगन विद अ बैड डीड कैन बी मेड सिक्योर बाय डूइंग वर्स डीड्स। क्या मतलब, अगर तुमने कुछ खराब काम किया है, ठीक है, तो अगर खराब काम को जस्टिफाई करना है तो उससे भी और खराब काम कर दो, तो तुम्हारा पहले वाला काम ठीक लगने लगेगा। क्या समझे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुसुम और साक्षी में लड़ाई हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और साक्षी ने कुसुम को चांटा मार दिया, खराब बात, बहुत गलत बात, नहीं करना चाहिए ऐसे। कुसुम को आया गुस्सा, कुसुम ने बोला ये तुमने बिल्कुल सही काम नहीं किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको चांटा नहीं मारना चाहिए। तो साक्षी ने बोला अच्छा चांटा के लिए इतना प्रॉब्लम, चल मैं तेरा टांग तोड़ देता, तो साक्षी ने उसका टांग तोड़ दिया, ठीक है। तो कुसुम क्या बोलेगी, यार चाटा तक तो ठीक था, टांग क्यों तोड़ा, है कि नहीं। अब देखो जो चाटा वाला कहानी है वो जस्टिफाइड हो गया क्योंकि उसने और बुरा काम कर दिया। कैसा लगा मेरा एग्जाम्पल, देखो साक्षी और कुसुम ही खाली मुंह हिला रहा, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, सब इमेजिन भी करा रहे हैं। देखो हम इसके लिए बोले साक्षी मार भी सकती है कि नहीं। अच्छा लड़का लोग को तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि लड़का लोग तो प्रैक्टिकल कर लेगा फिर है ना, तो हम वो बोल नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर शेक्सपियर एक बहुत ही लेजेंडरी डायलॉग बोल रहा है कि थिंग्स बिगन विद अ बैड डीड कैन बी मेड सिक्योर बाय डूइंग वर्स डीड्स। तो डंकन को मारना अगर बैड था तो बैंको और उसके बेटे को मार के हम वर्स कर देंगे इसको, ठीक है, और फिर डंकन को मारना जस्टिफाइड हो जाए। वाह क्या थॉट है, ठीक है, कोई भी इससे इंस्पायर मत होना, ठीक है, मैंने बोल दिया लेजेंडरी, इसका डिस्क्लेमर है यहाँ पर। हाँ मयंक सर किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं गलत काम करने के लिए कि सर कल तक मैं सिगरेट पीता था अब मैं वाइन भी पीऊंगा, क्योंकि मयंक सर ने बोला ना, डिस्क्लेमर है भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, ये शेक्सपियर का डायलॉग है, उसने बोला, ओके। तो थिंग्स बैड बिगिन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाय हिल सो प्रीति गो विथ मी। तो बोल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर ले लेडी मैकबेथ, तूने तो मुझे सिर्फ एक मर्डर करने के लिए बोला था ना, अब मैं मर्डर की लाइन लगा दूंगा, ठीक है। जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और जब तक मैं अपने एनिमीज को खत्म नहीं कर देता, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं, जो भी मेरे सामने आएगा उसको अब जाना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख रहे हैं रोल थोड़ा सा स्विच हो रहा है, ठीक है, मैकबेथ इज बिकमिंग मोर अग्रेसिव और लेडी मैकबेथ को थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग यहाँ पर आ रहा है। तुम लोग जब आगे प्ले को पढ़ेगा तो देखेगा लेडी मैकबेथ गोज मैड, क्यों मैड हो जा रही है, क्यों पागल हो जा रही है, क्योंकि जो गिल्ट है वो सहन नहीं बिकॉज ऑफ कर पा, गिल्ट, बिकॉज ऑफ द गिल्ट, ओके अंडरस्टूड। हाँ अब कुसुम तुम बोल रहे थे ना कौन सा पैराग्राफ फिर समझ में आ रहा तुमको, वी कैन गो बैक टू दैट। हाँ, पेज 80।